दुर्ग निगम के कैलाश नगर में सड़क डामरीकरण के कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। गेटवेल सुन कहते हुए गुलाब भी भेंट किया। दुर्ग के वार्ड 22 कैलाश नगर में निगम द्वारा जर्जर हो चुकी सड़क पर डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जहां पहली बारिश में ही सड़क से बजरी बाहर आने लगी है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व अनियमितता का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल को गुलाब भेंट करते हुए गेटवेल सुन कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सड़क की तरह निगम महापौर भी बीमार हैं, जिन्हें अनियमितता दिखाई नहीं दे रही है, और इसी बीमारी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने गेटवेल सुन कहते हुए गुलाब का फूल भेंट किया। हम लोग सर्वे के लिए वार्ड नंबर 22 गए थे। सूर्या होटल के सामने से जो रोड सिटोड़ी को जाती है, वहाँ हमने देखा कि 15 दिन पहले जो रोड बनी थी वहाँ से बजरी निकलने लग गई है। अभी एक ही बारिश हुई है, सिर्फ एक बारिश हुई है, और वहाँ हमने देखा कि हाथ जैसे उठाया तो हाथ मुट्ठी भर के बजरियाँ निकल रही है। हमने लोगों से वहाँ चर्चा की तो लोगों ने ये बताया कि जस्ट अभी 15 दिन पहले रोड बनी और ये हालत है एक बारिश में। अब 2-4 बारिश होंगी तो रोड का नामो निशान वहाँ से मिट जाएगा। जब हमने पता लगाया तो पता लगा कि यहाँ से क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नाम की कोई कंपनी है, जिससे 34 लाख में ठेका दिया गया था। अब सोचिए कि जब एक बारिश में यहाँ रहा तो आगे क्या होगा, हाल होगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो पहले भी जो टेंडर लिया था, कहीं कहीं रोड बनाई है, उनका काम का गुणवत्ता की जांच की जाए, और दोषी अधिकारियों ने जिन्होंने उन्हें NOC दिया है और जो भी उस पर लिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में, उन पर कार्रवाई की जाए। तो रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, उस शिकायत को लेकर हम लोग अभी महापौर जी से मिले और उनको गुलाब भेंट करके हम लोगों ने कहा कि गेटवेल सुन। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो जितनी नंबर ऑफ शिकायतें हम देख चुके हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे वर्क ऑर्डर मेरे पास हैं और वो एक बारिश में उनके रोड बनाए हुए रोड उखड़ जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शिकायत करने के बाद भी आयुक्त एक डाकिये की तरह शिकायत को आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास यही एक साधन बचा कि गेटवेल सुन, भगवान आपको जल्दी ठीक करें, क्योंकि आप शहर को तो ठीक नहीं कर रहे हो, और शहर को इसलिए ठीक नहीं कर रहे हो क्योंकि आप गड़बड़ हो, तो भगवान से ही दुआ करें गेटवेल सुन। तो ये हम लोगों ने एक प्रयास किया कि शायद उनको सद्बुद्धि दे। आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा सड़क डामरीकरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पास आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने सड़क के क्वालिटी को लेकर शिकायत की है, हम लोग इसकी तुरंत जांच कराएंगे। नहीं, 15 दिन पहले बना है, हमने बताया ना, इसकी जांच कराएंगे हम तुरंत इंजीनियर को। उसी समय हम लोगों ने मैंने मैसेज किया कि आप जाकर उसकी जांच कीजिए, जांच की रिपोर्ट आने के बाद मैं बताऊंगा। जिस तरह का जाएगा सर, देखिए ऐसा पहली दृष्टि में ऐसा कहना ठीक नहीं है, पहले एक बार इंजीनियर लोग जाके देख लें, देखने के बाद समझ में आएगा कितने दिन पहले हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका DPR क्या था, सब कुछ देखने के बाद ही मैं आपको कुछ बता दूँ। यह हम आपको बता दें कि दुर्ग निगम द्वारा निगम के वार्डों की आंतरिक सड़कों को दुरुस्त करने सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन वृहद स्तर पर कराए जा रहे इस कार्य में गुणवत्ता की कमी भी सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि निगम प्रशासन इस लापरवाही को लेकर किस तरह का रुख अपनाता है। रेनेसिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।